नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वराज। कबीर रहीम दास ने कहा था, रहमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। रहीम दास की आज ये पंक्तियां बुंदेलखंड में सच साबित हो रही हैं, क्योंकि ये बुंदेले आजादी के 67 सालों बाद भी आज तक जलदास्ता के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब इसी दास्ता से मुक्ति के लिए बुंदेलखंड में चल रहा है जल स्वराज का अभियान। दशकों बीत गए लेकिन बुंदेलखंड की धरती आज भी प्यासी है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना मानो बुंदेलखंड वासियों की नियति बन चुका है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट भी इस खतरे की तस्दीक करते हैं कि महोबा और चित्रकूट में भूगर्भ जल का स्तर अब जीरो पर जा पहुंचा है। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। निजा फाजली की कविताओं से निकली है फरियाद, आज भी बुंदेलखंड के बासिंदे शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। यहाँ जल त्रासदी के हालात इस कदर बदतर होते जा रहे हैं कि लगातार भूगर्भ जल गिर रहा है। नदी, तालाब और पोखर सूखते चले जा रहे हैं। एक्वाडैम की एक रिपोर्ट भी इस खतरे की तरफ इशारा करती है। महोबा और चित्रकूट बुंदेलखंड के दो ऐसे इलाके हैं जहां पर ग्राउंड वाटर जीरो के करीब पहुंच रहा है, और कमोबेश झांसी भी इससे बहुत पीछे नहीं है। चित्रकूट ये वो जनपद है जिसे कभी ताल तलैयों की नगरी कहा जाता था, लेकिन प्रकृति की मार ने इस इलाके को भी बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। इसी तरह महोबा के पनवाड़ी और जैतपुर पहले से ही डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, और अब कबरई और चरखारी में भी भूगर्भ जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बुंदेलखंड पानी के संकट से गुजर रहा है, और दो तरह के संकट से गुजर रहा है, पानी अधिक होने से, पानी असमय होने से, और पानी ना होने से। और इन तीनों समस्याओं का निदान सिर्फ तालाब है। और अगर अपना तालाब अभियान को हम अपनाते हैं जो 2013 से चल रहा है यहाँ पे लगातार, तो उससे हमारी तीनों समस्याएं हल होती हैं। और यहाँ पे जो महोबा जनपद है वो चारों ब्लॉक यहाँ के डार्क जोन है, और सारे ब्लॉकों में पानी का संकट है, हर तरह से संकट है। किसानों का जो सोसाइट है, कर्ज है, वो बहुत सारी समस्याएं हैं। अपना तालाब अभियान पूरे बुंदेलखंड के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि यहाँ करीब 450 किसानों ने अपना तालाब अभियान से जुड़ करके अपने तालाब बनाए हैं विभिन्न विभिन्न योजनाओं से और विभिन्न विभिन्न तरीकों से। और वो सारे किसान आज ना तो सुसाइड कर रहे हैं और ना ही पलायन कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो बुंदेलखंड की पानी की समस्या है उसके हल के लिए एकमात्र अपना तालाब अभियान ही है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पानी की समस्या को जो विकराल हो गई है बुंदेलखंड में, उसको राज और समाज दोनों मिलकर के ही ठीक से चला सकते हैं और इस पानी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। एडवांस्ड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट 2014 की रिपोर्ट और हकीकत में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ एक एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को मीलों दूर का सफर तय करना पड़ता है। उसके बाद भी पानी की कोई गारंटी नहीं होती। ज्यादातर तो नदी और पोखर का गंदा पानी पीकर ही जीना पड़ता है, और अब तो पानी के चलते यहाँ लोग अपनी बेटियों को ब्याहने से भी डरते हैं। कोई लड़की देने का तैयार नहीं है, ये दशा देख के पानी कहनी, यहाँ कोई न तो लड़की करता है, और ये स्थित है कि यहाँ चौमासे मक्कर यहाँ से हमारा लड़का बिटिया है लहिल जाते जो आवे थे लड़की देखने, तो वो कहता है कि भैया यहाँ हम नहीं अपनी लड़की करेंगे, कौन यहाँ पानी ढोएगा। अब ये पोजीशन है यहाँ कि गांव महनी को मर जाए
तब मतलब कहाँ का वो मर भला जाए, लेकिन उड़ के थोरो जाई यहाँ कोई रास्ता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी खप गई, लेकिन पानी यहाँ आज भी बूंद के हिसाब से ही मिलता है। पहले बाप दादा ने जिंदगी और पानी के लिए संघर्ष किया, और अब इनकी आगे की पीढ़ी भी यही सब देखने को मजबूर है। बुंदेलखंड में पानी का दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यहाँ पीढ़ियां बीत गई इस उम्मीद के साथ कि शायद अब समय बदलेगा और उनके खेतों में और उनके घरों में पानी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर पानी के लिए पैसा तो पानी की तरह बहाया गया, लेकिन इन्हें आज तक पानी नहीं मिला, जिसके चलते अब किसान नाउम्मीद नजर आ रहा है। एक चीज ये बताइए दादा, आप इस गांव में रहते रहते हो गया, सलारपुर बांध है पास में, बावजूद उसके पानी की क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी की साहब बहुत ज्यादा परेशानी रही है, कि बांध में पानी भी रहा है तो एक पानी दे रहा, वो बिल्कुल सूख जाता है, सब आदमी की फसल सूख जाती थी, आज भी सूख जाती है। कब से, इतने दिन हो गया वो संभाले, हमेशा से दिक्कत रही? हमेशा कम से कम 50 साल हो गए देखा अपने हौस संभाले, और ऐसी दिक्कत देखा था साहब, पानी की बहुत परेशानी रही। उम्मीद लगाते रहे कि शायद अब बदले, अब बदले जाए कुछ, अब बदल जाए, अकेले सरकार भी नहीं कुछ मतलब मदद कर रही, ना कुछ मतलब कर रही, तो सरकार किसान भूखन मर रही ईमानदारी। क्या लगता है कुछ उम्मीद है कि स्थिति बदलेगी या इसी तरह आंख बंद हो जाएगी? कुछ साहब ऐसा है कि जैसे सरकार कछु सहायता करे तो उम्मीद बदल जाएगी कुछ है? लेकिन लगता है कि अब तक सरकार ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया अभी तक सरकार ने, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है। किसान यहाँ मरने को मजबूर, मरने को मजबूर है। तो मतलब पूरी पीढ़ी बदल गई, कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं, पूरी पीढ़ी बदल गई, 50 साल हो गए साहब, के लिए हमें कुछ नहीं दिखा, हमें सूखा ही दिखा वैसे। बिल्कुल, तो 50 साल हो गया इनके लिए कुछ नहीं बदला। उनकी एक दूसरी पीढ़ी, एक चीज ये बताइए, आपके जो है बुजुर्ग है वो पानी की दिक्कत देखते देखते चले आ रहे हैं, आपने अपनी पैदाइश से क्या कुछ देखा? यही हमने देखा है सर, यही जो क्या हालात, यही है कि सर यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत पड़ती है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, बांध भी बना है फिर भी नाले में पानी नहीं रहता है, और किसान लोग परेशान है, इसलिए सोचा है कि हम अब तालाब खुलवाएं अपने और उसमें सिंचाई करें। इतना सारा जो है सरकार पैसा बर्बाद किया, बुंदेलखंड पैकेज दिया जी, कुछ बदली तस्वीर? अभी तो हमारे यहाँ कुछ नहीं बदली सर, कुछ नहीं बदली, कुछ नहीं बदली है, कुछ नहीं बदली अभी। तो कुछ उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी और हालात बदलेंगे? करेगी तो सर बदलेंगे, करेगी तो बदले। अभी तक कुछ किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है, कोई वो नहीं, कोई नहीं किया है, कुछ नहीं किया हमारे लिए। मतलब कितने साल हो गया इस उम्मीद में कि शायद तस्वीर बदले? अब हम कम से कम तक 30-40 साल हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि बदल जाए, बदल जाए, बदल नहीं रही अभी, नहीं बदल, नहीं बदल रही, नहीं बदल रही। बिल्कुल, तो पानी की उम्मीद में पीढ़ियां गुजरती जा रही हैं, लेकिन पानी नहीं मिला। एक चीज ये बताओ, आप खेती करते हो, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या? पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, जब से हम हमारा मतलब बचपन है जब से हम यही देख रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पानी की सबसे ज्यादा। हाँ, तो मतलब पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं पीने के लिए भी नहीं, ना सींचने के लिए। जब से हमारा बचपन चालू हुआ जब से हम यही स्थिति देख रहे हैं इस मौजे में। अब कुछ विकल्प समझ में आ रहा है, क्या कुछ हो सकता है? सर सरकार करे अगर सोचे तो हो सकता है, क्यों नहीं, विकल्प हर चीज का है। लेकिन अभी तक हुआ नहीं कुछ? नहीं, कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो ये किसानों की तीनों पीढ़ियां हैं जो अब नाउम्मीद नजर आ रही हैं, क्योंकि सालों से ये उम्मीद लगाए बैठी थी। एक बुजुर्ग ने जब अपनी आंखें खोली थी तब यहाँ पर पानी का अकाल पाया था, और आज उसकी आंख बंद होने को चली है तब भी उसे उसी अकाल का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ यही हालात उसकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियों के हैं। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का दर्द है कि कम होने का नाम नहीं लेता, और पानी है कि आने का। ऐसे में भला इन बुंदेलखंड के बासिंदों की बदहाली कम होगी तो कम कैसे? बात चाहे फसलों की बर्बादी की हो, बढ़ते हुए किसानों के कर्ज की हो, या फिर गिरते हुए जलस्तर की, इन सभी के पीछे मर्ज एक ही है, पानी। और अगर बात इलाज की जाए तो इलाज भी एक ही है, वो भी पानी। इस मर्म को बुंदेलखंड के अंगूठा टेक किसान बखूबी समझ चुके हैं। यही वजह है कि बुंदेलखंड में अब शुरू हो चुकी है तालाबों को बनाने की मुहिम।
कभी इसी महोबा जनपद में इतने बड़े तालाब हुआ करते थे कि उन्हें सागर की संज्ञा दी जाती थी। यही तालाब यहाँ सिंचाई का मुख्य आधार थे, लेकिन वक्त के साथ इन तालाबों में से कुछ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया तो कहीं सरकारी उदासीनता ने तालाबों का नामो निशान तक मिटा दिया। खेती से लेकर पीने के पानी तक के लिए लोग तरस गए। सरकार से मदद की उम्मीद में इंतजार लंबा होता चला गया और जिंदगी मुश्किल। सब्र का बांध टूटा तो महोबा के किसानों ने यहाँ के तालाबों को पुनर्जीवित करने और हर खेत में तालाब बनाने की मुहिम शुरू की। इत सूखत जल स्रोत सब बूंद चली पाताल, पानी बोले आबरू उठो बुंदेली लाल। उस लाइन को लेकर के जय सागर तालाब जो सूख गया था उसमें करीब 21,000 लोगों ने प्रतिभाग किया और श्रमदान से उसकी सिल्ट सफाई की। हमको उससे भरोसा हो गया था कि पानी की समस्या का समाधान समाज जब उठ खड़ा होगा तभी हो सकता है, राज और समाज के दोनों के एक साथ चल पड़ने से हो सकता है। तो देखा कि आज समस्या ये है कि सार्वजनिक तालाबों से किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो किसानों के अपने निजी खेतों पर तालाब बनाने की एक मुहिम शुरू हुई और इस मुहिम को विश्वास दिलाने के लिए कि तालाब हमारे बहुत ही फायदेमंद है। देवास मध्य प्रदेश का एक जनपद है जहां पे 60 के दशक से ट्यूबवेल लगे थे और पानी सूख गया था, ट्रेनों से पानी आने लगा था। वहां पर एक जनपद की हम टीम ले गए महोबा की और यहां से कुछ संस्थाएं, कुछ किसान और कुछ सरकारी मुलाजिम, ये सारे लोग गए और उन्होंने देखा कि वहां पर करीब 12-14 हजार तालाब बने हुए हैं और उससे वहां जो पानी की समस्या थी उस पानी की समस्या का समाधान हुआ है। उसको लेकर के जब यहाँ पे जिला प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को समझा और एक साथ सारे लोगों को बिठाया, सारे विभाग बैठे, संस्थाएं बैठी, किसान बैठी, तो जहां पर ज्यादा समस्या थी वहां पर हम लोग गए और किसानों को मोटिवेट किया, किसानों को सम्मान दिया। जिलाधिकारी बराबर जाते थे, किसानों के खेतों पर, तालाबों पर जाकर के पूजन कराते थे तालाब खुदाई के लिए। वो मुहिम तेज हुई, लोगों को भरोसा हुआ कि ये काम करेंगे तो हमारी त्रासदी मिटेगी, सूखा मिटेगा। सबसे बड़ी बात है कि राज और समाज जब एक साथ खड़े होते हैं तो किसानों में और आम लोगों में भरोसा जमता है। एक दो गांव से शुरू हुई ये कोशिश अब मुहिम के रूप में पूरे जनपद में फैल चुकी है। अब तो बकायदा टीमें बनी है जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायतें करती है। किसानों से सहमति पत्र भरवाते हैं। इस तरह से ये सिलसिला एक गांव से शुरू होकर कई गांव तक पहुंच चुका है। अब सलारपुर गांव में भी किसानों को इस मुहिम की अहमियत समझ आने लगी है, इसलिए गांव के किसान भी अपने अपने खेतों में तालाब खुदवाने लगे हैं। किसान सुखलाल भी तालाब का भूमि पूजन कर रहा है ताकि उसकी जिंदगी का सूखा भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सलारपुर गांव का ये नाला कभी यहां के सैकड़ों किसानों की खेतों की फसलों की सिंचाई का एकमात्र जरिया हुआ करता था, लेकिन लगातार गिरते जल स्तर की वजह से ये नाला आज पूरी तरीके से सूख चुका है और इस नाले के सूखने के साथ ही इसने यहाँ के सैकड़ों किसानों की किस्मत को भी कहीं सूखा कर दिया और यही वजह है कि यहाँ का किसान एक एक बीघे खेत में भी फसल बोने को मजबूर हो गया। लेकिन अब इस बदलाव की बयार साफ दिखाई दे रही है। इस सलारपुर गांव में जो तालाबों को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ उसने अब ये तस्वीर बदल दी है और उस जरूरत को महसूस किया है यहाँ के किसानों ने कि अगर किस तरीके से जल स्तर को हमेशा बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी होगा तालाबों को खोदना। यही वजह है कि सुखलाल और उसका परिवार आज इस तालाब को खोद रहा है और इस क्योंकि उसकी मान्यता है कि अगर तालाब ये खुद गया तो उसके हालात बदल जाएंगे। सुखलाल एक चीज ये बताओ, आज तुमने ये तालाब खोदना शुरू किया है, क्यों खोद रहे हो तालाब? ये इसे खोद रहे कि साफ पानी सूखा नहीं पड़ेगा, वो सूखा पड़ेगा तो पानी नहीं है, तालाब खुद जाएगा, पैदावारी भी बढ़ जाएगी और अच्छा जलवायु बढ़ जाए,
अच्छा क्यों, क्या पहले यहाँ पे सिंचाई का कोई, अभी इससे पहले कोई साधन नहीं था? साधन ना था, ये नाला का साधन था। नाला सूख गया? नाला सूख गया है साहब, इससे है जो तालाब की खुदाई करने लगे साहब। तालाब जो हाँ। तो तालाबों से क्या क्या समझ में आया, कहीं देखा कि तालाबों से सिंचाई हो सकती, कुछ बन सकता है? नहीं साहब, देखा है बरवई गांव में, देखा है वहाँ अच्छी जगह में, कम से कम 3-4 बीघा में तालाब खुदो, अच्छी पैदावार भाई। और पिछली साल देखो, इस पिछली साल देख के हमने देखा है कि हमी को भी करना है, क्योंकि वहाँ तो नाला है, यहाँ वहाँ नाला ना था, वहाँ हमने बोर देखी तो 2 बोर में पानी ना था और न बहर में पानी थे। ये तो ऐसा तो लगता है तस्वीर बदल जाएगी इस तालाब के बाद जो है। हाँ साहब, तस्वीर बदल जाएगी। मुन्नी एक चीज ये बताओ, तुमने तालाब जो है खोदवाने का फैसला किया जो है, क्यों तालाब बना रही हो? इससे बना रही कि ना पानी सूखा पड़ जाता है, तो फिर कैसे शीशे का करें, अब हमें तो कछवारो लगाने सब चीज, हम पानी चाहिए, पानी चाहिए जी। हाँ। तो इससे पानी इकट्ठा हो पाएगा? इससे हाँ हो जाएगा। हाँ। मेहनत करोगी दिन रात, खुद खोदोगी इसे जो है? हाँ, इस खोदे रात दिन मेहनत करें तो कैसा ना हो। इसी तरह महोबा के काकून गांव की भी तस्वीर देखते ही देखते बदल गई। कभी यहां भी फसलें सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती थी, लेकिन किसानों की कोशिश का नतीजा है कि आज यहां न सिर्फ खेतों में फसलें लहलहाती हैं, तालाब बनने के बाद यहां साल भर पानी भी मिलता है। आज इस गांव में 50 से ज्यादा तालाबे हैं, भूगर्भ जल का स्तर भी बढ़ गया है, एक भी कुआं अब सूखा नहीं है। बुंदेलखंड के सबसे सूखे और बंजर इलाके काकुन की आज तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां हर तरफ आपको सूखे और बंजर खेत दिखाई दिया करते थे, लेकिन इन 2-3 सालों में इसकी तस्वीर ऐसी बदली कि आज हर खेत में तालाब और उन तालाबों में पानी नजर आता है। और इस तस्वीर को बदलने का श्रेय जाता है यहाँ के एक पढ़े लिखे किसान जो BHU में प्रोफेसर भी हैं। धर्मेंद्र जी, एक चीज ये बताइए, इस काकुन की तस्वीर बदलने के पीछे क्या, कैसे सोच रही है और कैसे बदल पाए? मेरे मन में आया कि इनके पास रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं है और खेती एक विकल्प है, तो खेती को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, कैसे लाभान्वित खेती के रूप में से बदला जाए। और यहाँ के अधिकतर मजदूर वर्ग भी खेती उपजाऊ न होने के कारण जो खेत में रोजगार पाता था वो पलायन करके दिल्ली चला गया। तो ये सोचा कि इसका उपाय एक ही है कि अगर पानी खेत के लिए हो और पानी के द्वारा खेत में फसल अगर अच्छी होने लगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। विचार आया कि पानी हम बना तो नहीं सकते, पर जो वर्षा से हमें पानी मिल रहा है उसको संचित करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि पृथ्वी के अंदर का जो जल हमारा जो कम होता जा रहा है संचित, जो उसका भी जल स्तर बढ़ेगा। दूसरा ये कि जो ऊपर हमें प्रसाद के तौर पे पानी भरा हुआ रहेगा उसको उपयोग करके खेती में, और उसका भी हम लाभ, आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। साल 2009 में केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड की बदहाली को दूर करने के लिए 7266 करोड़ का भारी भरकम पैकेज दिया था, जिसके तहत नलकूप और हैंडपंप बनाने के लिए पैसे मिले, लेकिन इस योजना का कोई खास फायदा यहां के किसानों को नहीं हुआ। अब जब यहां तालाब बनाओ अभियान के तहत इलाके की तस्वीर बदलने लगी है, तो अब सरकारी नुमाइंदे भी इस मुहिम में किसानों का साथ दे रहे हैं। देखिए महोबा में हम लोग जब यहां पर आए करीब 1.5-2 साल पहले, तो रिपोर्ट भी आ रही है और साक्षात देखने को मिल रहा है कि यहां जलस्तर निरंतर घटता जा रहा है, और हम लोगों ने मध्य प्रदेश से कुछ अनुभव लिया, बगल के डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ देखा गया कि तालाब, खेत तालाब ही एक ऐसा साधन है, ऐसा विकल्प के रूप में उपयोग है कि इसे हर खेत में पानी इकट्ठा करके वाटर रिचार्ज कर सकते हैं और किसान अपने उपयोग के लिए पानी भी ले सकता है। और इस मुहिम में 1.5-2 साल से लगभग अब तक जन सहयोग से, किसानों के सहयोग से, विभाग के सहयोग से, सरकारी और किसानों के सहयोग से
तालाब बनाए जा रहे हैं। पौने दो साल में लगभग 400 के आसपास तालाब बनाए गए हैं और उनके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं, किसान के फसल में वृद्धि हुई है। तालाबों के संजाल ने केवल खेतों तक पानी ही नहीं पहुंचाया है बल्कि गिरते हुए भूगर्भ जल पर भी लगाम लगाई है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये उस कुएं की तस्वीर है जो कुआं कभी पूरी तरीके से सूखा हुआ करता था, या अगर कभी बरसात के समय में इसमें कुछ पानी हुआ भी तो केवल इतना पानी होता था कि उसे पंपिंग सेट के जरिए बाहर लिफ्ट कराया जा सके। लेकिन आज हालात ये हैं कि इसमें महज कुछ दूरी तक पानी आ चुका है, यानी कि पूरी तरह से ये फुल हो चुका है तालाब। और उसके पीछे वजह यह है, जो कुआं पूरा फुल हुआ है पानी से, उसके पीछे सिर्फ वजह है आसपास के उसमें तालाबों का बनाया गया संजाल। हमारे साथ भूमि संरक्षण अधिकारी हैं, एक चीज ये बताइए आप, ये जो हालात है, इस हालात ये बदले कैसे, क्या कुछ हुआ है सर? खेत तालाब का एक बहुत बड़ा अभियान जनपद महोबा में शुरू किया और उसमें स्वयंसेवी संस्था के हमारे पुष्पेंद्र भाई भी और गांव के किसान भाई सभी का सहयोग मिलके हम लोगों ने कीरतपुरा में आरएडीपी योजना से पिछले साल 26 तालाब बनाए, जिसमें तालाब बनाने का कार्य किसान हमारी देखरेख में हमारे द्वारा चयन किया जाता है, किसान स्वयं करते हैं और हम उनको जो सरकार का अनुदान है वो हम उनको दे देते हैं। इस प्रकार हमारी योजना है कि इस साल हमने 26 बनाए हैं और इस साल और अगले साल तक मिला के कुल 50 अतिरिक्त तालाब मिला के हम करीब 80 तालाब बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कम से कम ये जो मॉडल है काकुन का मॉडल है, ये पूरे बुंदेलखंड में विकास का एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तालाबों का संजाल बिछाया गया उसने यहाँ के भूगर्भ जल को बढ़ाया है और उसके बाद सरकारी नुमाइंदों को प्रेरित भी किया है कि इसके बाद उन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए भी कुछ विकल्प तलाशे जाएं और सरकारी नुमाइंदे अब उस तरफ भी आगे बढ़ चले हैं, क्योंकि वो भी किसानों की इस पहल के बाद प्रेरित हुए हैं और उन्होंने भी फैसला किया है उनके साथ हम कदम बढ़कर चलने में और बुंदेलखंड की बदहाली को दूर करने में। महोबा से सहयोगी राजेंद्र तिवारी, कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया।